Okay, now we have one more topic from your textbook or out of the textbook. It says oxidation number of carbon in organic compounds. Let me explain you. The first one, oxidation number of carbon actually is known as carbonyl carbon. In carboxylic acid is always plus 3. See, ये है carboxylic acid. We know इसको हम alkyl group बोलते. Okay, about organic compounds I am going to teach you in chapter number 7 very nicely. अभी मैं detail में नहीं जा रहा हूँ, अभी तीन ही compound बताऊँगा. ओके टेंथ में जो आप पढ़ चुके हो उसको थोड़ा सा रिवीजन है थोड़ा सा. इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसको अल्काइल बोलते हैं, और COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक. उसमें से ये जो कार्बन है उसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन. क्या बोलते हैं? बाकी सब कार्बन नहीं, खाली ये अकेला. उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस 3 होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूं जिसको हम इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, CH3COOH, तो ये कार्बन का प्लस 3 है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली कार्बोनिल. कार्बोनिल ये वाला कार्बोनिल होता है. क्यों कार्बोनिल होता है सीखेंगे चैप्टर 7 में. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट पॉइंट, बट याद रखना है उसको. उसको हम क्या बोलेंगे? प्लस 3. अनदर एग्जाम्पल, प्रोपेनोइक एसिड. ये वाले का प्लस 3, बाकी किसी का नहीं. इज इट पेन? स्पेसिफिकली एक केस जरूर सीखेंगे साथ साथ में. एक एक्सेप्शन है, नॉर्मली ये प्लस 3 लेंगे, लेकिन अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड आया. कौन सा आया? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, या तो फिर बोलते हैं मिथेनोइक एसिड. जिसका फॉर्मूला है HCOOH. उस टाइम पे एक नंबर कम, प्लस 2 है. ये एक का ही वन मार्क एमसीक्यू में पूछते हैं. बाकी बद्दाज कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी है उन सब के अंदर हमेशा क्या रहेगा? प्लस 3. खाली एक फॉर्मिक एसिड ऐसा है जिसके अंदर कितना है? प्लस 2. वो एक्सेप्शन है. ये हो गया नंबर 1. लेट्स कंटिन्यू फॉर द नंबर 2. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनिल कार्बन इन कीटोन्स इज ऑलवेज 2. कितना होना चाहिए? 2. ये होता है कीटोन, RCOR, और इसका हमेशा आप प्लस 2 लोगे. कितना लोगे? फॉर एन एग्जाम्पल, एसीटोन. एसीटोन भी बोलते हैं, प्रोपेनॉन भी बोलते हैं. क्यों ऐसे नाम देते मैं सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में. आज हम नाम के पीछे नहीं पड़े, ऑक्सीडेशन नंबर के पीछे पड़े हुए. ओके, ये प्रोपेनॉन है जिसमें कार्बोनिल कार्बन है, उसका कितना है? प्लस 2. कितना है? प्लस 2. बराबर, प्रोपेनॉन है, या तो फिर ब्यूटेनॉन है, आर यू गेटिंग दिस? नंबर 3, इसमें कोई कीटोन में कोई एक्सेप्शन नहीं है. कीटोन में बद्धा हर एक के लिए कितना होगा? प्लस 2. लेकिन बीच वाला कार्बन कार्बोनिल का ही, बद्धा कार्बन के नहीं है. नंबर 3,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ये सबको कार्बोनिल कार्बन ही बोलेंगे इन तीन के लिए एटलीस्ट, जो जिसका मैं बता रहा हूं. इन अल्डिहाइड इज प्लस वन, ये होते हैं अल्डिहाइड आर सी एच ओ, और उसमें ये कार्बोनिल कार्बन है उसका कितना होना चाहिए प्लस वन. फॉर एन एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड होता है एसिटाल्डिहाइड को इथेनॉल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? देन प्रोपेनॉल या तो प्रोपेनॉल्डिहाइड सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, इसका आएगा प्लस वन. इसमें एक्सेप्शन है, फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड को हम बोलते हैं मिथेनॉल भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मिथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है एच सी एच ओ. एक कम, नॉर्मली इसका प्लस वन होता है, एक कम मतलब जीरो. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में प्लस थ्री होता था, एक कम प्लस टू, वैसे इसके अंदर भी क्या आएगा? एक कम, प्लस वन से जीरो.